तो आज का इस नए वीडियो में आपका स्वागत है दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि किस तरह से आप मास्टर आधार को डाउनलोड कर पाएंगे अपना कंप्यूटर या मोबाइल से, किस तरह से आप डाउनलोड कर पाएंगे। आज के इस वीडियो में स्टेप बाय स्टेप हम जानेंगे किस तरह से आप मास्टर आधार को डाउनलोड कर पाएंगे। डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली अपना क्रोम ब्राउजर ओपन कर लेना है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो मोबाइल में भी ओपन कर लेना है गूगल या क्रोम ब्राउजर को। ओपन करने के बाद आपको सिंपली अपना मोबाइल या कंप्यूटर में सर्च करना है क्रोम ब्राउजर में माई आधार सर्च करना है। माई आधार सर्च करने के बाद आपको सिंपली यहां से फर्स्ट वाले वेबसाइट पर क्लिक करना है, माई आधार यूनिक्यू एंड आइडेंटिफिकेशन ऑथोराइज्ड बाय ऑफ इंडिया। यहां पर आप क्लिक करेंगे, जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आधार का ऑफिशियल वेबसाइट खुलकर आ जाएगा, यूनिक्यू आइडेंटिटी ऑथोराइज ऑफ इंडिया। यहाँ पर देख सकते हैं वेलकम टू माई आधार, यहाँ पर देख सकते हैं। आप डाउनलोड करने के लिए मास्टर आधार डाउनलोड करने के लिए आपको सिंपली नीचे स्क्रॉल करना होगा, नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको डाउनलोड आधार का यहाँ पर सेक्शन नज़र आएगा। यहाँ पर देख सकते हैं आपका मोबाइल में भी इसी तरह से आएगा, यहाँ पर डाउनलोड आधार का सेक्शन नज़र आएगा। डाउनलोड आधार पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो कुछ देर लोडिंग लगा, देख सकते हैं आधार से लोडिंग लग रहा है। कुछ देर लोडिंग लगा तो देख सकते हैं कुछ इस तरह से आपका पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर आपको कुछ इस तरह से पेज खुल कर आ जाएगा। यहाँ पर अपना आधार नंबर को चूज करके रखेंगे, यहाँ से अपना आधार नंबर को चूज करके रखेंगे। इसके बाद यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करेंगे, यहाँ से अपना आधार नंबर को फिल करेंगे। चलिए मैं अपना आधार नंबर को यहाँ से फिल करते हैं। आधार नंबर को फिल करने के बाद यहाँ से अपना सिंपली यहाँ से ध्यान से देख के यहाँ से अपना कैप्चा को डाल देंगे। चलिए मैं यहाँ से अपना कैप्चा को डाल देते हैं। कैप्चा को डालने के बाद यहाँ से सिंपली सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे। सेंड ओटीपी पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपका मोबाइल नंबर पर छः डिजिट का ओटीपी जाएगा, जो आपका आधार में रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर एक 6 डिजिट का ओटीपी जाएगा। यहाँ से अपना ओटीपी को यहाँ से फिल कर देंगे, यहाँ से ओटीपी को यहाँ से फिल करेंगे। पहले ओटीपी को आप ध्यान से फिल कर लें, उसके बाद हम बताते हैं किस तरह से आप डाउनलोड कर सकते हैं। ओटीपी फिल करने के बाद यहां से आपको ये सिलेक्ट कर लेना है, डू यू वांट ए मास्टर आधार, यहां से सिलेक्ट कर लेना होगा। डू यू वांट ए मास्टर आधार को यहां पर क्लिक करना होगा, यहां पर क्लिक कर लेना है। यहां पर डू यू वांट मास्टर आधार को यहां पर जैसे ही क्लिक करेंगे उसके बाद यहां से आपको सिंपली यहाँ से वेरीफाई एंड डाउनलोड पर क्लिक करना है। अगर आप यहाँ पर नहीं क्लिक करते हैं तो आप मास्टर आधार जो है आपका डाउनलोड नहीं होगा। यहाँ पर आप नहीं क्लिक करते हैं तो आपका मास्टर आधार डाउनलोड नहीं होगा, आपका आधार कार्ड में नंबर शो हो जाएगा। अगर यहाँ पर आप मास्टर आधार नहीं करते हैं तो यहाँ पर क्लिक नहीं करते हैं तो चलिए हम यहाँ से आप वेरीफाई डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। वेरीफाई डाउनलोड पर क्लिक करने के बाद देख सकते हैं आप लोडिंग लग रहा है आधार करके, यहाँ पर देख सकते हैं कुछ दिन लोडिंग लेगा फिर आपका जो है मास्टर आधार डाउनलोड हो जाएगा। मास्टर आधार डाउनलोड हो चुका है, कॉन्ग्रेजुलेसन यहाँ पर देख सकते हैं, कॉन्ग्रेजुलेसन आ चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर टिक लग चुका है, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार कार्ड डाउनलोड हो चुका है। अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं तो आपका मोबाइल के डाउनलोड सेक्शन में चला जाएगा, डाउनलोड फाइल में चला जाएगा। अगर डाउनलोड हो जाएगा तो इसी तरह से आपको डाउनलोड फाइल में आ जाएगा। हम कंप्यूटर से कर रहे हैं तो कंप्यूटर में इसी तरह से आता है, यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो पीडीएफ आपका जो है ओपन हो जाएगा। यहाँ पर पीडीएफ पर क्लिक करेंगे, अगर आप मोबाइल में भी करेंगे तो इसी तरह से आएगा। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हैं पासपोर्ट रिक्वायर्ड, यहाँ पर देख सकते हैं आपका आधार कार्ड में लॉक लगा हुआ होता है पासपोर्ट, तो आपका ऐसे में पासपोर्ट क्या होगा यहाँ पर बताया हुआ है। पासपोर्ट यहाँ पर देख सकते हैं किस तरह से अपना पासपोर्ट को डालना है। अगर आपका नाम इस तरह से अनीश कुमार है, मान लिया जाए आपका नाम अनीश कुमार है तो इसी तरह से आपको यहाँ पर देख सकते हैं देन योर आधार पासपोर्ट इज इतना आपका नाम अनीश कुमार है और डेट ऑफ बर्थ आपका इतना है, यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपका नाम का चार वर्ड को लिखना है यहाँ पर, अपना नाम का चार वर्ड को लिखना है। उसके बाद आपका लास्ट का डेट ऑफ बर्थ ईयर लिखना है, यहाँ पर देख सकते हैं ईयर आपको लिखना है, जो भी आपका ईयर होगा, जैसे कि 1/1/1989 है तो 1989 ही सिर्फ लिखना है। यहाँ पर देख सकते हैं अनीश 1989, अगर आपका नाम अनीश कुमार है मान लिया जाए तो इसी तरह से अपना डेट ऑफ बर्थ अपना आपका जो है पासपोर्ट इसी तरह से आपका बन जाएगा। तो चलिए हम अपना पासपोर्ट पर यहाँ पर अपना डालते हैं। डालने के बाद यहाँ से सिंपली यहाँ से सबमिट पर क्लिक करेंगे,
सबमिट पर क्लिक करेंगे आपका मोबाइल में भी इसी तरह से आ जाएगा, देख सकते हैं। यहाँ पर सबमिट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मास्क आधार जो है डाउनलोड हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मेरा मास्क आधार डाउनलोड हो चुका है, PDF ओपन हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हैं मास्क आधार का, यहाँ पर देख सकते हैं। और ऐसे ही अपडेट एलिजिबल वीडियो को देखने के लिए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।